थोड़ा बहुत अनबन हुआ रहेंगे, यही है सैलरी वगैरह को लेके कुछ हुआ रहेगा, या फिर कुछ ना कुछ एक एक्स वाई जेड चीजें हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ यू नो उसमें मनी मनी मैटर भी कुछ हुआ रहेगा, या फिर ऐसे कुछ हो सकता है पता नहीं, क्योंकि उस हिसाब से थोड़ा बहुत दिक्कत है मैं चल रहा होगा, बट जैसा भी हो यार इट्स गॉड लाइक दे आर अ फैमिली, दे विल सॉर्ट इट आउट एंड दे विल कम बैक एज अ टीम, एंड जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। मेरे को लग रहा है कि नियो का भी सेम सिचुएशन पे हो सकता है, बिकॉज नियो भी बहुत जेन्युइन है, नियो का भी बहुत जेन्युइन सिंपल रीजन है, उसको इंस्टॉलमेंट्स भरना है, उसको अपना क्रेडिट कार्ड बिल्स या फिर जो भी है उसको करना है, तो उसके लिए तो यार उसको थोड़ा मेहनत जो भी करता है उसके लिए तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, तो वो बस यू नो अनाउंस कर दिया कि भाई मैं अभी पार्ट नहीं हूँ फिलहाल के लिए, तो अगर बेटर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बट इफ गॉड लाइक अपना जो भी चीजें हैं वापस देने के लिए रेडी हो तो शायद वो चला भी जाएगा ब्रो, ही डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद गॉड लाइक एट ऑल, उसको गोल्ड लाइक से कभी प्रॉब्लम नहीं है, नियो ने वो तो स्ट्रीम पे भी बता दिया ना, इट्स नॉट एनीथिंग, इट्स नॉट जस्ट, इट्स जस्ट दैट उसको यू नो बेटर ऑप्शंस ढूंढना है ताकि उसको फाइनेंशियली स्टेबल रहना है ना यार, सिंपल है ब्रो, कोई भी कर सकता है। सो जिस दिन आई थिंक क्रॉन्टन भाई सारी चीजें इसको सॉर्ट आउट कर देंगे यार, नियो भी वापस आ जाएंगे ब्रो, शार्प सी तो वापस आ गया भाई, सेम चीज इधर भी हो सकता है, इट्स अ पॉसिबल थिंग, सब लोग फैमिली है यार, वो लोग साथ में कितना टाइम रह चुका है, आई थिंक क्रॉन्टन सब सही कर देंगे, सही कर देंगे यार, सही कर देंगे। जो जोन जी परफॉर्मेंस अच्छा खेल रहे हैं यार, शनोक का करो कुछ, करेंगे यार शनोक का, करेंगे करेंगे शनोक का कुछ तो गाइस। शनोक में कल जब सोल आई थी तब क्या सोच रहे थे भाई? कुछ नहीं यार, अभी इस चीज का मैं रिप्लाई कि क्या ही दूं यार, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है इस चीज का। तो उत्कर्ष कुमार, शायद हमें भी ये बात सच लगती है कभी कभी कि टीम्स को हमसे कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है, तो आ जाती है स्वाद चखने कुछ ना कुछ चीज का। यार एक बंदे ने एक दिन स्टोरी डाली थी, क्या स्टोरी थी, मेरे को मन तो कर रहा था उसको शेयर कर दूं, भी शेयर कर दूं, पर वो कर नहीं सकता था, पता नहीं वो किसकी स्टोरी थी, मैंने देखी थी, उसमें क्या लिखा था कि शायद टेस्ट पसंद आ गया, ऐसा कुछ था, पता नहीं क्या था वो। कुछ तो बड़ो बीजेस के लिए तैयारी करोगे, कर रहे ब्रो बीजेस के, बीजेस के लिए तैयारी। जोड़ी फॉर ग्राइंडिंग फॉर पैनिंग में यार, ये क्यों भाई इतना हेट क्यों फैला रहे हैं यार, तुम लोग बहुत डाउनफॉल में चल रहे हो उस टाइम पे, तुम लोग डाउनफॉल अभी बहुत पहले था, अभी धीरे धीरे वो लोग अपना अच्छा भी कर भी रहे हैं, देखो एडमिनो का एडिशन भी थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है उनको, अभी ऐसे नहीं कि भाई अभी क्वालिफाई हो भी रहे, धीरे धीरे टूर्नामेंट्स का क्वालिफाई हो रहा है, और धीरे धीरे टूर्नामेंट्स का क्वालिफाई हो रहे हैं, फाइनल्स में अच्छा प्रदर्शन देखने भी मिलेंगे, मे भी हैशटैग वन परफॉर्मेंस देखने नहीं मिलेंगे, एट द सेम टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तुरंत हैशटैग वन परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना, बट क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है बस वो देखो, हैशटैग वन परफॉर्मेंस आपको टीम आईपीएक्स और टीम एचएस का देखने मिलेगा बस। एडमिनो और एस पावर डीबीएस प्लीज एक चूज करो, किसको डीबीएस का शॉट चिपता ही है एंड फुल हैकर और व्हाट ब्रो, देखो यू विल हैव टू गिव इट अप फॉर एस पावर फॉर बीइंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेयर, जो अच्छा खासा एमवीपीस लेते बैठता भी है, और अभी के टाइम पे आप एस पावर का परफॉर्मेंस देख के उसको जज मत करना, बिकॉज आप सबको पता है कि भाई एस पावर अलग ही लेवल पे डीबीएस चलाता है, तो फिलहाल तो उसका कंपेरिजन ही हम कर सकता है, इसका कंपेरिजन हम एडमिनो के साथ कर सकता है, कोई और प्लेयर के साथ कर सकता है, कोई तीसरा प्लेयर के साथ कर सकता है, बट ये साइड जो है सेम रहेगा, तो एक टाइम पे इस साइड पे जोनाथन हुआ करता था, जब यू नो जोनाथन एक टाइम पे कंसिस्टेंट रहता था, फिलहाल एस पावर है तो अपने को मानना पड़ेगा, बट अगर ऑफिशियल इवेंट में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है एस पावर का या फिर पूरा सोल का वगैरह जो है, देन हम जो परफॉर्मेंस आने वाला टीम का देखेंगे कि भाई कितना बढ़िया खेला, ठीक है।